व्हाट इज अ सेल? बताओ बताओ जल्दी, अभी तो इतना बोल रहा था। हेलो हाँ हेलो जी, मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मुझे तो आ रही है आपको, आपकी आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो ये अच्छा तरीका है ना, आंसर नहीं आता है तो बोल दो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैम, ये बहुत सारे कार्टून शोज में आता है, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है। यू वेरी स्मार्ट है ना, जितनी तुम लोगों की उम्र है ना उससे 3 गुना मेरी उम्र है, 3 times। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून प्रथम, तो ये सारे पैंतरे आते हैं मुझे। अच्छा तो कौन बताएगा? मन्नत बताएगी। मन्नत हेलो हेलो, यस मैम। यस प्लीज टेल मी व्हाट इज अ सेल? The cellular unit which lives in the bodies of living organisms. That is known as cell. Huh? A unit which lives in someone's body. किसी की body में रह रहा है, parasite है? No ma'am. मैम मैं बताऊँ? Our body is made up of several units which are known as cells. Very correct. Our body is made up of several units which is known as a cell. जैसे for example. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, जिस जैसे हम एक दीवार बना रहे हैं, है ना, हम एक दीवार बना रहे हैं, दीवार में हमें क्या करना पड़ता है? ब्रिक्स जोड़ जोड़ के दीवार बनानी पड़ती है, राइट? तो हमारा ब्रिक यहाँ पर, द ब्रिक इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ, किसका रोल प्ले करेगा ब्रिक? द ब्रिक इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सेल। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? तो जैसे हमारी बॉडी में सेल्स जोड़ जोड़ के, जैसे हमारी वॉल में सेल्स जोड़ जोड़ के, ब्रिक्स जोड़ जोड़ के पूरी की पूरी दीवार बनती है, वैसे हमारी बॉडी में सेल्स जुड़ जुड़ के पूरी की पूरी बॉडी बनती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स इन आर बॉडी, राइट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हाँ, ऑल द ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। ठीक है, हम यहाँ पर बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें। बेटा वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने जिनको म्यूट किया है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे अंटिल अनलेस आई डोंट आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एंड से डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, इस करके मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, तो आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है जी, टिल आई डू नॉट आस्क यू क्वेश्चन और आस्क यू टेल टू अनम्यूट योरसेल्फ और यू हैव सम डाउट। चलिए, सो नाउ व्हाट हैपेंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन समवन्स बॉडी, है ना, कितने सेल्स हैं किसी के बॉडी में, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बच्चे व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम वायरस को लिविंग कंसिडर नहीं करते। वायरस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंसिडर्ड अंडर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। वो बॉडी के बाहर है, नॉन लिविंग, राइट? When they come into someone's body, they attain our mechanism, हमारे mechanism ले लेते हैं, उसके बाद वो living बनते हैं। समझ आया? तो हम यहाँ पर living, non-living में हम लोग define, हम लोग उसकी definition, हम virus को include नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? So depending upon the number of cells present in the body, the organisms are either multicellular or they are unicellular. अगर मेरी पूरी की पूरी body बनी है सिर्फ एक cell की, ठीक है, एक ही सेल है मेरे पास, एक ही सेल से मैं अपने बॉडी के सारे काम कर रही हूं, जैसे खाना खाना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, राइट, सर्कुलेशन करना, एक्सक्रीशन करना, सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज यूनी स्टैंड्स फॉर वन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? राइट, ओके। सो डिपेंड, अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोर देन वन सेल्स हैं, राइट, जिनमें ज्यादा सेल्स आ जाते हैं, एक से ज्यादा सेल्स आ जाते हैं, तो वी कॉल देम मल्टीसेलर। मल्टीसेलर में आते हैं हम लोग, जैसे ह्यूमंस आ गए मल्टीसेलर में। ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर जस्ट हैविंग वन सेल, राइट, व्हिच आर जस्ट वन सेल यूनिसेलुलर, उनको हम लोग बुला लेते हैं प्रोकैरियोट्स भी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन होंगे? प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन अलग है, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। प्रूव आपको किसने बोला बोलने के लिए? हु टोल्ड यू? अब एक काम करते हैं, आगे का लेक्चर ध्रुव सर समझाएंगे हमें। ध्रुव प्लीज बोले, आप अपनी पीपीटी लगाओ ध्रुव, जल्दी से हमें समझना है। मैम फिर हम बाहर जाए? नहीं
ध्रुव समझाएगा, ध्रुव को ज्यादा आता है, ज्यादा ज्ञान दे रहा है आज। ध्रुव प्लीज बच्चा अपना पीपीटी लगाओ। मैम कोई पीपीटी नहीं बना। तो फिर मैम वो आज ऐसे ही पढ़ाएगा बिना पीपीटी के। ओके, तो जब तक बोला ना जाए आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? बिकॉज यू विल देन डिस्टर्ब द क्लास दैट वे। चलिए, सो एक तो हो गया यूनिसेलुलर और एक हो गया मल्टीसेलुलर, ठीक है? अब नाउ आई एम शेयरिंग माय पीपीटी क्योंकि ध्रुव सर डजंट हैज इट, तो हम मेरी पीपीटी से पढ़ेंगे, ठीक है? ये आता है आपका सेल। आई होप एवरीवन इज एबल टू सी। बच्चे सब देख पा रहे हैं? कोई ऐसा जो नहीं देख पा रहा है? ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ हम आ जाते हैं सेल पे। सेल के कुछ पार्ट्स हैं जो जो हमने डिस्कस करने हैं। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास, मतलब इन दिस चैप्टर। हम इस पे मूव अहेड करते हैं पहले। नाउ लेट्स कम टू सेल। ऑलराइट, तो किसने की डिस्कवरी ऑफ सेल? सबसे पहले द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल को किसने डिस्कवर किया? देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज रॉबर्ट हुक, ठीक है? ही सॉ सेल्स इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो बार्क होती है, ट्री के ऊपर बार्क प्रेजेंट होती है ना, बार्क पता क्या, ट्री की पपड़ियां नहीं होती, स्टेम में जो पपड़ियां लगी होती है बाहर बाहर की तरफ, उसको हम जनरली बार्क बुलाते हैं। तो बार्क कॉर्क के जो सेल था, कॉर्क के सेल को उसने स्टडी किया इन हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। दिस वॉज द माइक्रोस्कोप दैट ही मेड। क्रूड माइक्रोस्कोप मतलब खुद से बेचारे ने बनाया, ठीक है? उस माइक्रोस्कोप में उसने सेल्स पढ़े। जब उसने सेल पढ़े तो दिस इज व्हाट ही सॉ। ये उनको नजर आया, उनको नजर आया कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब समझते हैं क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता जैसा। यस मैम। सो ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? और जो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स कितने सारे, छोटे 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। उन इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स को ही नेम्ड देम सेल्यूले और सेल्स, ठीक है? व्हाट इज सेल? हम जब सेल कहते हैं, सेल क्या होता है? सेल इज अ क्लोज्ड चेंबर, एक क्लोज्ड जगह, उसको हम लोग सेल का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो गई। किसने डिस्कवर किया था सेल? Who discovered cell? Robert Hooke. Robert Hooke. Bench, what are you trying to write? मैं देख रहा था, होता है कि नहीं? हाँ होता है, अब नहीं होगा, अब करके दिखाओ। Yes. चलो, so now what happens? Excuse me, ma'am. हाँ जी. Excuse ma'am. हाँ जी हितेश. मैम ये crude microscope क्या है? Crude microscope मतलब जो खुद से बनाया, अपने आप से जो बनाया, ठीक है? ये नीचे वाला जो डायग्राम है, जो खुद से बनाया, दैट इज नोन एज अ क्रूड माइक्रोस्कोप। हमें कराया था हमारे को पिछले साल। हाँ, तो अब क्या होता है नेक्स्ट? हिज डिस्कवरी इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स। इट वाज हिज डिस्कवरी। इसने देखा, अरे यार ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो छोटे 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 कुछ पार्ट्स मुझे नजर आए। उसने इन पार्ट्स को नाम दे दिया सेल। All right. So he was the very first scientist to tell that living organisms are made up of small units. Am I clear till here to everyone? Yes, ma'am. All right. Wood ki slice li thi na usne, ma'am? हाँ, wood ki slice, वही बात बोल रहे हैं बच्चे उसको, है ना? अब ये आ जाते हैं कुछ scientists के नाम। All right. ये आप note करें please. This is very important. Gradually हम चलते जाएंगे एक चीज पे। आपको एक चीज का idea है? Do you know that? Suppose this is a cell. अगर ये मैं एक सेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से सारे के सारे। सपोज ये तो डब्बा लग रहा है। हाँ सुनो तो सही यार, एक सेल है और ये बनाया है मैंने न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो एवरी सेल, जितने भी सेल्स होते हैं उन सबके पास तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन पार्ट होता है ये बाहर वाला, जिसको हम लोग बुलाते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर सेंटर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं साइटोप्लाज्म। वेरी करेक्ट। एंड देयर इज अ सेंटर पार्ट नोन एज न्यूक्लियस। सो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द थ्री पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ऑलराइट, ठीक है मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो होती है। हाँ, सब कुछ होता है, इससे ज्यादा होता है हर एक में, बट हम ये तीनों सेल में तो काफी चीजें होती है मैम।
ठीक है मैम, ऐसे तो पी नहीं जाओ मैम उसके अंदर। और क्या, तो हम तीन पार्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, विच आर द थ्री मेन पार्ट्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। सबसे बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं बोलेंगे आप, सेल मेम्ब्रेन बोलना है, सेल वॉल अलग चीज है, वो बाद में पढ़ते हैं। Cell membrane is present in all the cells, cytoplasm is present in all the cells, and nucleus is present in all the cells. All right? So now, please note these all points. हम इनको फिर discuss करते हैं, जल्दी से note करें आप। पहला point है कि Robert Hooke discovered the cell, ये हम discuss कर चुके हैं, है ना? ये रहे Robert Hooke की photo, आप देख सकते हैं, ये Mr. is Robert Hooke. Okay? फिर उसके बाद आते हैं अनदर साइंटिस्ट नोन एज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ए वैन ल्यूवेनहॉक इनका नाम है। ही स्टडीड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस, जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखे उन्होंने सिर्फ सेल वॉल्स देखे बाहर, दे वर डेड सेल्स, ठीक है, सिर्फ सेल वॉल देखा। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ये वाले, ये सेकेंड नंबर पे। Anton von Leeuwenhoek saw for the very first time living cells. ठीक है? फिर third point, Robert Brown. Robert Brown है ये, यंकल। Robert Brown discovered for the very first time and named nucleus in a cell. Nucleus को ढूंढा Robert Brown ने, cell को ढूंढा Robert Hooke ने. All right? Then तीन दो और लोग थे, एम जे श्लेडन एंड श्वान। श्लेडन एंड श्वान बुलाते हैं इन दोनों को, दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हिसाब से, सेल थ्योरी कहती है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, राइट, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल, वेदर इट इज दिस, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। दैट बेसिक जनरलाइजेशन इज नोन एज सेल थ्योरी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे सेल थ्योरी पे, वी विल इवेंचुअली, हां वी विल इवेंचुअली रीड ऑल द पॉइंट्स। तो ये थे श्लेडन एंड ही वाज श्वान, थियोडोर श्लेडन, यस, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चू, एक सेकंड बेटा लेट मी फिनिश। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चू। Rudolf Virchow stated a sentence of some 3-4 words. They are known as omnis cellula e cellula. That means each and every cell is formed from pre-existing cells. Beta, sab ki videos band hai almost. I want every one of you to switch on the videos. Everyone. Koi aisa nahi hoga jo video off karke baitha hoga. Jinka connection stable nahi hai, वो मुझे पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, मुझे पता लग जाता है जिनका स्टेबल होता है, जिनका नहीं स्टेबल होता। तो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। पता नहीं लगता आप पीछे से सो रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, है ना? मम्मा आज तो इंग्लिश की क्लास खोल के लगी, उसमें सब पता ही चल। चलिए, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब होता है? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब, प्लीज राइट इट, All the cells are formed from pre-existing cells. All right? Omnicellula, e-cellula मतलब all the cells, जितने भी cell होते हैं, they all are formed from pre-existing cells. मतलब अगर मेरी body में कोई cell बन रहा है, तो वो किससे बन रहा है? पुराने किसी cell से। बिना किसी cell से कोई नया cell नहीं बन सकता। समझ आया? Reproduction होगी। हाँ जी, ऑल द सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मींस ऑल सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई मीन की फोटोज याद करना जरूरी है? ना 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 ना, ओनली द नेम्स, ओनली द नेम्स, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इज इट क्लियर अजय? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मैम लास्ट में क्या था? फॉर्म फ्रॉम From pre-existing cells. ये दिख गया सबको? Yes. ठीक है, चलिए इसको नोट करें। सारे नाम नोट हो गए? मैं पूछूं अभी?
याद भी हो गए? मैम लियोवेल बुक का तो मैम लेबोरेटरी में खुद ही मैम रोबोट बुक काम नहीं कर रहा। हाँ जी जल्दी से याद करें प्लीज। मैम याद हो गया। हो गया? वेरी गुड। पूछूं? यस पूछ लो मैम, ले लो मैम, पूछ लो। पूछ लेते हैं। सो मैम वन मिनट, मैम एक मिनट, एक मिनट क्या, एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, ये जो फोर्थ पे है ये 18 और 13 मैम, इनको एक बार बोल के दो कैसे बोलते हैं दोनों। स्लीडन एंड श्वान। मैम और एक फिफ्थ वाले को पता नहीं क्या, क्या, क्या है मजाक, उसका सरनेम क्या है? सुना ही स्लीडन एंड श्वान। नहीं मैम, रुडोल्फ के आगे सरनेम क्या है? वर्चू। वर्चू रुडोल्फ वर्चू ब्रांड का नाम है तो। हो गया। हम सेकंड वाले को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नहीं बोल सकते मैम। बच्चे कुछ भी बोलो, बेशक तुम कुछ ना बोलो उसको, आपको स्पेलिंग याद आनी चाहिए बस। तुम्हें पहचान जाना चाहिए वो वर्ड इफ यू आर डूइंग एन एमसीक्यू एंड इफ यू आर गिविंग अ सब्जेक्टिव टेस्ट यू शुड बी एबल टू राइट। बाकी तुम्हें बोलना आ रहा है बोलना नहीं आ रहा है वो इवेंचुअली जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी वो समझ आता जाए, ठीक है? बट एज ऑफ नाउ यू विल हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग दैट वर्ड। अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि लिविंग सेल सबसे पहले कहाँ हुआ था तो आपको लिखना आना चाहिए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। डन, कैन वी मूव अहेड? ऑलराइट, सो आई विल आस्क यू अभी थोड़ी देर में। सो आई एम क्लियरिंग ऑल माई ड्रॉइंग्स राइट and we'll move forward. Test ले लो मैम साथ के साथ। Test भी ले लेते हैं, साथ के साथ ही ले लेते हैं, don't worry, घबराओ मत इतना। अच्छा, अब हम आते हैं organisms are made up of, yes प्रथम? हितेश। Yes हितेश। हितेश पूछ। नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था Saturday test है। इसलिए ना। नहीं। Saturday मिनी ने आपको भेजा है schedule? Test का? नहीं मैम Saturday नहीं है। तो फिर obviously नहीं है ना। Saturday है। मैं अगले सैटरडे। बच्चे अगर आपको नहीं आया कोई मैसेज तो ऑब्वियसली टेस्ट नहीं है, और अगर टेस्ट होगा तो मैसेज आ जाएगा। पहले भी रेनॉट का यही सिस्टम चल रहा था कि 2 वीक्स के बाद 1 हॉलिडे होती थी ना टेस्ट से। तो अभी आपका अल्टरनेट वीक चल रहा है टेस्ट, एवरी अल्टरनेट वीक यू विल हैव अ टेस्ट एवरी अल्टरनेट सैटरडे। तो लास्ट सैटरडे आपका टेस्ट हुआ है तो अभी सैटरडे नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे होगा, ठीक है? और नेक्स्ट सैटरडे का आपका सिलेबस होगा सेल, तो बहुत ध्यान से सुनो फिर। हाँ सेल पढ़े, सेल का टेस्ट आएगा जितनी भी क्लासेस हो जाती है सेल की, ठीक है? So, कल क्लास होगी सैटरडे को। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, बेटा यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द ग्रुप, है ना? ऐसे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कल केमिस्ट्री की एक क्लास है। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, जस्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना? वॉल की बिल्डिंग ब्लॉक इज ब्रिक, वैसे हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ऑलराइट? फिर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लीज इसको भी नोट करें आप जल्दी से। क्लेमाइडोमोनस इज एन एग्जांपल, अमीबा, पैरामीशियम, दे आर एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लीज इनको भी नोट करें। कर लिया नोट, ठीक है? ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज नोट द थिंग ऑल्सो। नो ऐसे तो ये चीजें आपके बुक में भी लिखी हुई हैं, आप वहां से भी नहीं मैम कॉपी में तो नोट कर रहा हूँ साथ साथ, अगर कुछ रह जाता है इसलिए खींच पाता हूँ। तो नोट करने से क्या होगा ना, जब आपका एक बार हाथ चलेगा तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हेन यू राइट द सेकंड टाइम, ठीक है? तो दिमाग में जहन में बैठ जाता है जब हम लिखते हैं एक चीज बार बार। तो अगर दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर्मूला, अगर आपको बायो में या किसी भी और सब्जेक्ट में कोई चीज नहीं याद हो रही है तो राइट इट वंस, एक बार देख देख के लिख लो, दूसरी बार बिना देखे लिखो, तो तीसरी बार तक आपको अपने आप ही याद हो जाती है चीज, ठीक है? बिकॉज यू नो वॉट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दिस, द मोर सेंस ऑर्गन्स यू यूज टू डू अ वर्क द मोर यू डू दैट वर्क प्रॉपरली, उतना ही आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहता है काम। जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हम बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ बेटा एक बुक पढ़ लो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ बुक, राइट? आई हैव दिस बुक विथ मी,
सपोज दिस इज अ बुक, सो आई एम जस्ट ऐसे करके मैं आराम से अपनी कुर्सी में ऐसे लेट के पढ़ रही हूँ, ठीक है, ऐसे करके पढ़ रही हूँ. सो विच सेंस ऑर्गन एम आई यूजिंग? आई एम जस्ट यूजिंग माई आईज, दैट्स इट, राइट. और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा पढ़ो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पेन या पेंसिल ले रहे हैं, साथ में हमारी बुक है ये, और मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ती जा रही हूँ. All living organisms are made up of cells. So how many sense organs am I using now? I'm using my eyes, right? Number one, I'm using my mouth to speak. Number two, ठीक है? फिर my कान भी सुन रहे हैं मेरे को ही, जो मैं बोल रही हूँ. कितने हो गए? तीन organs, right? उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? साथ साथ में अपने पेन या पेंसिल से underline करती जा रही हूँ या उसको चलाती जा रही हूँ line में, तो ये हो गया चार. तो चार मेरे बॉडी के पास कोऑर्डिनेटेड है वो काम करने के लिए. सो कैन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड सून? नो. यू गेट माय पॉइंट? एक आराम से बैठ के बस पढ़े जाना और एक ऐसे पढ़ने में देयर इज अ डिफरेंस. इज इट क्लियर? तो जब भी आप पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ना, यू अपने आप में ही आपको एक डिफरेंस समझ आएगा. और अगर कुछ बायो में याद करना है वो और भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ में लिखते भी जाओ इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट चीजें, तो पांचवी चीज भी आपकी काम करने जाएगी. Clear जी? Okay. So there is this point. This point says that irrespective of unicellular or multicellular organism, organism unicellular हो या multicellular हो, all these cells perform the similar basic functions. मतलब जितने भी cells हैं उन सब का basic function same है. Basic function मतलब सबको खाना खाने के लिए energy चाहिए, खाना खाने के लिए nutrients चाहिए, है ना? Right? सबको अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सबने रेस्पिरेशन करनी है, सबने कुछ मटेरियल एक्सक्रीट आउट करना है, सब चाहते हैं कि हमारे में कुछ ना कुछ सर्कुलेशन हो, तो बेसिक फंक्शंस सब में सेम रहते हैं, ठीक है. अब देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी. अब देखो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हुआ, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को तो बेचारे को खुद से ही सारा काम करना पड़ेगा, है ना. ही हिमसेल्फ विल हैव टू डू ऑल द फंक्शंस, ऑल द वर्क ऑन हिज ओन. Whereas, जो एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, है ना, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसकी बॉडी भी कंपैरेटिवली क्या है, बहुत बड़ी है. तो ऐसे केस में एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या काम करवाता है, ही अंडरगोज अ थिंग नोन एज डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर का मतलब कि उसका जो, हाँ, डिविजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होगा कि उसके बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर दिया. जैसे मान लो हम लोग सारे एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, हम सब एक घर में रह रहे हैं. सपोज देयर आर टू कंडीशंस. एक कंडीशन में मैं अकेली घर में रह रही हूँ. जब मैं अकेली घर में रह रही हूँ तो मुझे सब करना पड़ेगा, मुझे अपने के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, मुझे अपने घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे कूड़े वाले को कूड़ा भी देना पड़ेगा, राइट. मुझे ऑल द फंक्शंस दैट आर सपोज टू बी डन इन द हाउस दैट विल बी डन ओनली बाय मी बिकॉज आई एम व्हाट, आई एम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Whereas, if we all are staying in one house, all are staying मतलब हम लोग सारे ही रह रहे हैं एक घर में, है ना, तो अब हम, अब क्या होगा, मैं ही काम करूंगी सारा का सारा, मैं ही काम करूंगी सारा. No, what am I going to do? I will divide into groups. मैं सबको क्या कर दूंगी, groups में divide कर दूंगी, ठीक है. एंड देन व्हाट विल हैपन, मैं क्या कर दूंगी, जैसे मैंने ग्रुप बना दिया चार पांच बच्चों का, मैं बोलूंगी बेटा हम लोग सब कुछ कर लेंगे, तेरा बस तुम लोगों का एक ही काम है, तुम चार पांच जनों का, तुम लोगों ने बैठ के खाना बनाना है बस. तो तुम लोगों का सिर्फ यही काम है, तुम किचन में बैठ के खाना बनाते रहोगे बनाते रहोगे, ठीक है. उन चार पांच बच्चों का ग्रुप बन जाएगा कि बच्चे तुमने कोई काम नहीं करना, बस तुम्हारा काम है सारे घर में झाड़ू लगाना है. तो सारे बच्चे झाड़ू लगा रहे, वही वाले, वही ग्रुप, ठीक है. फिर मैं किसी को बोल रही हूँ कि बेटा तुम लोगों ने सिर्फ, सबके सब ने सिर्फ, कुछ ग्रुप ने आपने पोचा लगाना है, कुछ पोचा लगाएंगे, ठीक है. किसी का कुछ काम होगा, किसी का कपड़े धोने का काम होगा, किसी का लॉन्ड्री करने का काम हो गया, लेट्स से किसी का गार्बेज कलेक्शन का काम हो गया, है ना. तो सबको हमने क्या कर दिया, सबको अपना 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 काम थोड़ा थोड़ा बांट दिया, सो दैट द सिस्टम ऑफ द हाउस वर्क्स प्रॉपरली. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डज लाइक दिस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने भी अपने सेल्स को ग्रुपिंग कर दिया, उसने एक सिस्टम पूरा का पूरा लगा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम. भाई सारी डाइजेशन, खाना ऑब्टेन करना, उसको डाइजेस्ट करना तुम्हारा काम, ठीक है. फिर उसने लगा दिया है कुछ ऑर्गन्स, कुछ सेल्स को वो काम करने में, रेस्पिरेशन में, कि ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, एक्सचेंज करनी है गैसेस की, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम.
एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीट करने का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेट करने का काम है, तो ऐसे करके डिवाइड कर दिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? डिविजन। Yes, it's known as division of labor and it is seen only in multicellular organisms. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Pakka? Chaliye. Yes, ma'am. ठीक है। Time खत्म हो गया, एक मिनट रह गया। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? ma'am, time खत्म हो गया ma'am. ओहो प्रथम, हाँ जी निष्ठा। आप पिछले चैप्टर के स्लाइड्स भेज दोगे प्लीज? ओके, मैं भेज देती हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। Yes. वो भी भेज देती हूँ, उसके नोट्स भी मैंने आपको आज ही भेज देना, डोंट वरी। ठीक है, एडजस्ट। ठीक है, सो आई थिंक हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर ओनली, थोड़ा सा और पार्ट्स इसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोगों ने अपना पुराना चैप्टर रिवाइज करना है। एनी डे आई कैन टेक अ स्मॉल रिविजन टेस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, करेक्ट? एनी डे, कभी भी। ठीक है जी, ओके मैम। ओके, तो फिर हमारा टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। यस, है ना मैम? 35 मिनट्स का पीरियड है, 40 मिनट्स का। बच्चे अभी आई थिंक इट इज अबाउट टू फिनिश, अभी 2 मिनट पड़े हैं यार, अभी टाइम खत्म हुआ है। चलो मैम, लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट शो कर रहा हूं। देखो देखो जल्दी से, सो देयर आर सर्टेन गैजेट्स जिससे हम सेल्स पढ़ सकते हैं। सेल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, राइट? वी कैन नॉट